गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज की क्लास में क्लास 10 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में यूनिट 4 स्प्रेडशीट इंटरमीडिएट में सेशन नंबर 9 सॉर्ट एंड फिल्टर डाटा टॉपिक को स्टडी करेंगे। इस क्लास में हम जानने की कोशिश करेंगे कि अगर आपके पास बहुत सारा डाटा है तो आप उससे किस प्रकार से सॉर्ट कर सकते हैं और फिल्टर कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको एक डाटाबेस क्रिएट कर लेना है जिसमें आपको डाटा को सॉर्ट या फिल्टर करना है। मैंने यहाँ पर एक डाटाबेस पहले से क्रिएट करके रखा हुआ है जिस पर मैं ये सभी कमांड्स आपको चलाकर बताऊँगा। सीट सेकंड पर मैंने एक यहाँ पर टेबल बना रखी है जिसमें कुछ स्टूडेंट्स के नाम हैं, उनका एड्रेस है, उनकी क्लास है और उनके जो सब्जेक्ट्स हैं और उनके डिवीज़न इसके बारे में लिखा हुआ है। अब मैं यहाँ पर इस डाटा को सॉर्ट करूँगा और फिल्टर करूँगा। जिस भी डाटा को आपको सॉर्ट करना है या फिल्टर करना है, सबसे पहले आपको उसको सिलेक्ट करना होगा। चाहे तो आप इस तरह सेलेक्ट कर लीजिए, चाहे आप पूरी कॉलम सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे आप चाहें वैसे कर सकते हैं। चाहे आप टेबल के अंदर कहीं पर भी क्लिक कर दीजिए तो भी वो सिलेक्ट माना जाता है। तो दोनों तरह से आप यहाँ पर इसे यूज़ कर सकते हैं। मैं इसे इस तरह सेलेक्ट कर लेता हूँ। दैन उसके बाद आपको डाटा वाले टैब पर जाना है। डाटा वाले टैब पर यहाँ पर आपको सॉर्ट एंड फिल्टर नामक ग्रुप मिलेगा। यहाँ पर इसमें आपको फिल्टर पर क्लिक करना है। फिल्टर पर क्लिक करने के बाद जो आपकी डाटा सेलेक्ट है उसके जो फर्स्ट वाली रो होती है उसमें जो नाम लिखे होते हैं उन पर यहाँ पर इस तरह ड्रॉप डाउन मिल जाएंगे आपको। इसका मतलब है कि यहाँ पर फिल्टर कमांड जो है अप्लाई हो चुकी है। बस आपको अब यहाँ पर फिल्टर को यूज़ कर लेना है। इसके लिए आप अगर जिस भी टाइप से फिल्टर करना यूज़ करना चाहते हैं या सॉर्टेड करना चाहते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। जैसे मुझे नाम के अकॉर्डिंग करना है, सपोज कीजिए नाम जो लिखे हुए हैं सभी ये असेंडिंग ऑर्डर में करने हैं या डिसेंडिंग ऑर्डर में करने हैं, मतलब ए से जेड तक करने हैं या फिर जेड से ए तक करने हैं, मतलब घटते या बढ़ते क्रम में इनको अरेंज करना है। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे हम तो यहाँ पर सॉर्ट आपको मिल जाएगा, सॉर्ट ए टू जेड। इसका मतलब है कि जो भी नाम होंगे वो सॉर्ट हो जाएंगे ए टू जेड में, मतलब पहले ए वाले नाम आएंगे उसके बाद बी वाले। तो क्लिक कर देते हैं तो अभी देखिए यहाँ पर सब ए से स्टार्ट हो गए हैं। ए से जो भी नाम थे पहले आ गए हैं, फिर बी सी डी, इस तरह से लास्ट में बी वाला नाम आ रहा है। तो ये सब नेम के अकॉर्डिंग अरेंज हो गए हैं और इसी के अकॉर्डिंग जो बाकी डाटा था वो भी अरेंज हो गया है। आप चाहे तो डिसेंडिंग ऑर्डर कर लीजिए, जैसे अजय का जो सिटी है एड्रेस है वो शिमला है, फोर्थ क्लास है, SST है, सेकंड डिवीज़न है। अगर इसको हम जेड टू ए कर देते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में कर देते हैं, तो यहाँ पर देखिए विजय आ गया है और अजय नीचे आ गया है और अजय की जो एड्रेस है वो भी यहाँ पर आ चुका है। तो इस तरह से आप डाटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर सकते हैं। अगर आपने इस डाटा को फिल्टर करना है, यहाँ पर सॉर्ट की जो फैसिलिटी होती है वो कलर के अकॉर्डिंग भी होती है। अगर आपने यहाँ पर कलर करके रखे हुए हैं तो कलर के अकॉर्डिंग भी आप इसको सॉर्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर कलर कर देता हूँ, जैसे यहाँ पर कलर कर देते हैं ये वाला, यहाँ पर ये भी कर देते हैं सेम कलर, दो तीन उसमें कर देते हैं इस तरह से। कई बार हम कुछ सेल्स को हाईलाइट कर लेते हैं और उन सेल्स को आपको सबसे पहले या सबसे बाद में देखना होता है तो उन्हें भी हम यहाँ से अरेंज कर सकते हैं। अभी देखिए मैंने यहाँ कुछ सेल्स को कलर कर दिया है और यहाँ पर जाकर हम सॉर्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू कलर। आप चाहते हैं कि जो पहले कलर वाले सेल है वो आए और उसके बाद नो फिल वाले आएँ तो कलर वाले सेलेक्ट कर लेंगे, तो कलर वाले सेल्स जो होंगे सारे एक साथ आ जाएंगे और जो बिना कलर वाले होंगे वो बाद में आ जाएंगे। तो इस तरह से आप कलर के अकॉर्डिंग भी फिल्टर को यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप चाहें वैसे इसको यूज कर लीजिए। देन उसके बाद जो है फिल्टर की बारी आती है। फिल्टर ये तो सॉर्टेड वाली बारी थी, आप फिल्टर वाले भी यूज कर सकते हैं। ए टू जेड कर देता हूँ मैं यहाँ पर और यहाँ पर एड्रेस को भी आप फिल्टर कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं। जैसे अगर आप चाहते हैं कि आपको नेम तो वैसे ही रखने हैं जैसे हैं लेकिन जो सिटी के नाम है वो ए टू जेड आएँ, तो यहाँ से आप इसको यूज कर लीजिए तो सिटी के नाम अरेंज हो जाएंगे ग्रुप में, या जेड टू ए कर लीजिए इस तरह से। आप चाहे तो क्लास के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि पहले सारे फिफ्थ क्लास के आ जाएँ, फिर सिक्स के आएँ, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। ए टू जेड या जेड टू शॉर्ट स्मॉल टू लार्जर, मतलब सबसे पहले सबसे छोटी क्लास आएगी फिर उसके बाद बड़ी, एक सिक्स सेवन एट नाइन टेन, इस तरह से हम यहाँ पर और लार्ज से स्मॉल भी कर सकते हैं। आप पहले बड़ी क्लासेस आएंगी फिर छोटी क्लासेस आएंगी, तो इस तरह से आप किसी भी कॉलम को सॉर्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। देन उसके बाद आती है बात फिल्टर की। फिल्टर को हम यूज करने के लिए क्या करेंगे, सेम उसी हमें ड्रॉप डाउन पर क्लिक करना है
और यहाँ पर आपको फिल्टर बाई कलर आ जाएगा, मतलब अगर आपको कलर के हिसाब से देखना है तो जो भी कलर यहाँ पर होंगे वो सारे कलर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एक ही कलर किया हुआ है तो एक ही आ रहा है। अगर मैं एक और कलर यहाँ पर चेंज कर देता हूँ, लाइक मुझे ये वाला कलर करना है रेड वाला इस तरह से, तो अब वहाँ पर दो कलर हम मिल जाएंगे इस तरह से, रेड वाला भी आ जाएगा और येल्लो भी आ जाएगा। अगर मैं चाहूँ तो येल्लो के अकॉर्डिंग कर सकता हूँ, मतलब येल्लो वाले सेल्स हमें शो होंगे और बाकी नहीं होंगे, या आप रेड वाले देख सकते हैं या नोफिल वाले देख सकते हैं, या फिर इसे फिल्टर को ऐसे रिमूव भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। देन उसके बाद यहाँ पर फिल्टर अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट भी होते हैं, इन्हें भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इनको अभी हम यूज़ नहीं करेंगे। अभी हम चाहते हैं यहाँ पर नाम के अकॉर्डिंग, सपोज़ कीजिए मुझे ये सारे नाम यहाँ से हटा देने हैं, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि कितने स्टूडेंट अजय नाम के हैं वो देखने हैं, तो यहाँ पर अजय क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे। तो अजय नाम का एक ही स्टूडेंट है जो शिमला में रहता है, इसके अलावा अमित नाम का स्टूडेंट देखना है या दीपक नाम को देखना है तो उस तरह से यहाँ देख सकते हैं इस तरह से, तो उसी स्टूडेंट का नाम यहाँ पर आ जाएगा। आप चाहे तो सेलेक्ट ऑल कर दीजिए, सारे आ जाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि जो दिल्ली में स्टूडेंट रहते हैं उनके नाम देखने हैं, तो यहाँ पर एड्रेस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से सभी एड्रेस को ऑफ कर देंगे, और हम चाहते हैं कि जो दिल्ली में रहते हैं उन स्टूडेंट्स की लिस्ट हमारे सामने आ जाए। ओके, तो देखिए तीन स्टूडेंट ऐसे हैं जो दिल्ली में रहते हैं, एक एट में पढ़ता है, एक सेवन्थ में पढ़ता है, एक फिफ्थ में पढ़ता है, या आप दिल्ली के साथ में मेरठ वाले भी देखना चाहते हैं, मेरठ वाले स्टूडेंट्स, तो ये मेरठ वाले भी आ जाएंगे साथ में, इनको भी अरेंज भी कर सकते हैं, फिल्टर भी कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप डाटा को सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। और अगर आप चाहें तो मोदनगर देख लीजिए, दिल्ली हटा दीजिए, मोदनगर में ये तीन स्टूडेंट रहते हैं जिनका सब्जेक्ट साइंस है और डिवीजन थर्ड है, क्लासेस भी यहाँ शो कर रखी है, चाहे आप यहाँ से सभी को शो कर लीजिए। तो इस तरह से आप फिल्टर को अपने डाटा पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको इस फिल्टर को हटाना है तो यहाँ पर डाटा पर जाइए और फिल्टर पर क्लिक कर दीजिए, देन ये फिल्टर रिमूव हो जाएगा और दोबारा से आपको लगाना है। अगर किसी कारण से आपने फिल्टर लगा रखा है और आपकी सेटिंग ये आउट हो रखी है, जैसे मैं अब इसको उल्टा सीधा कर देता हूँ, जेड टू ए कर देते हैं, यहाँ पर इसमें ये सेलेक्ट कर लेते हैं, ओके, यहाँ पर इसमें क्लास सेलेक्ट कर लेते हैं केवल सिक्स क्लास, ओके ओके। तो इस तरह से यहाँ मैंने ये फिल्टर अप्लाई कर दिए, यहाँ भी, यहाँ भी दो तीन जगह मैंने फ़िल्टर अप्लाई कर दिया है। और सभी को अगर आपको हटाना है तो क्लियर फिल्टर क्लिक कर देंगे यहाँ पर इसी फिल्टर वाले कमांड पर, तो वो ऑटोमेटिक आपका रिमूव हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपनी डाटाबेस पर फिल्टर को अप्लाई कर सकते हैं।